हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सी डी डी एंड टी डी प्रिपरेशन में। और आज के इस वीडियो में मैं समाजीकरण की प्रक्रिया में यानी समाजीकरण में खेल की भूमिका को पढ़ेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं। बालक के शारीरिक एवं सामाजिक विकास में खेल की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। इस बात को तो हम सभी लोग जानते हैं कि किसी भी बालक के शारीरिक विकास और सामाजिक विकास में खेल की भूमिका जो होती है वो तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। खेल को बालक की रचनात्मक, जन्मजात, स्वतंत्र, आत्मप्रेरित, स्फूर्तिदायक, स्वलक्षित तथा आनंददायी प्रवृत्ति कहा जाता है। खेल को बालक की रचनात्मक हो गया, जन्मजात, स्वतंत्र, आत्मप्रेरित, स्फूर्तिदायक, स्वलक्षित तथा आनंददायक प्रवृत्ति कहा जाता है। खेल क्रियाओं द्वारा बालक को स्वयं को प्रस्तुत करने का अवसर मिलता है जिससे उसके समाजीकरण में सहायता मिलती है। देखिए, खेल के माध्यम से खेल की प्रक्रिया के द्वारा बालक स्वयं को प्रस्तुत करता है, बालक को स्वयं को प्रस्तुत करने का अवसर मिलता है, इससे उसके समाजीकरण में सहायता मिलती है। अधिकांशतः खेलों में मुख्यतः अन्य साथियों की आवश्यकता होती है, इसलिए उनका स्वभाव मुख्यतः सामाजिक होता है। इसलिए खेल क्रियाओं द्वारा बच्चे में सामाजिक दृष्टिकोण का विकास होता है। ज़्यादातर खेल ऐसे ही होते हैं जिसमें बहुत सारे लोगों की आवश्यकता होती है, अन्य साथियों की आवश्यकता होती है, इसलिए उनका स्वभाव क्या हो जाता है, वहाँ पे सामाजिक होता है। और इसीलिए खेल क्रियाओं द्वारा बच्चे में सामाजिक दृष्टिकोण का भी विकास होता है। खेल के माध्यम से अन्य बालकों के साथ खेलने से बच्चे अपरिचित लोगों से सामाजिक संबंध स्थापित करना तथा उन संबंधों से संबंधित समस्याओं पर समाधान करना सीखते हैं। अब और बच्चे जो होते हैं जिनके साथ वो खेलते हैं तो उससे वहाँ पे क्या होता है कि बच्चे अपरिचित लोगों के साथ भी, जिसको हम नहीं पहचानते हैं, उसके साथ भी कैसे सामाजिक संबंध स्थापित किया जाए, इन सब चीज़ों को सीखते हैं। और उनके सामने अगर उससे संबंधित कोई समस्याएँ आती है तो उन समस्याओं का समाधान करना भी सीखते हैं। सामूहिक खेलों से आदान प्रदान की भावना का विकास होता है। और जब सारे बच्चे मिलके समूह में खेलते हैं तो वहाँ पे आदान प्रदान की भावना का भी विकास होता है। और जब बच्चे एक दूसरे के साथ मिलजुल कर खेलते हैं तो उसमें एकता व सहयोग की भावना पनपती है। और जब बच्चे एक दूसरे के साथ मिलजुल के खेलने लगते हैं तो मिलने जुलने के कारण क्या होता है कि उनके अंदर एकता की और सहयोग की भावना ये भी पनपती है। और यही मिलजुल कर खेलने की भावना आगे मिलजुल कर रहने की भावना में बदल जाती है। और जब बच्चे छोटे होते हैं तो मिलजुल कर खेलते हैं तो यही भावना जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनमें मिलजुल कर रहने की भावना में बदल जाती है। खेलों के जरिए बच्चों में समूह के नेतृत्व के गुणों का भी विकास होता है। लगभग खेलों में कुछ विशिष्ट नियमों एवं अनुशासन का पालन करना होता है। यह बालकों को अनुशासित होने में सहायता करता है। और खेलों के जरिए बच्चों को समूह में नेतृत्व करने के गुण का भी विकास होता है। और बहुत सारे खेल ऐसे हैं, लगभग खेल ऐसे हैं जिसमें कुछ विशिष्ट नियम होते हैं और उस नियम और अनुशासन का पालन करना होता है। कोई भी खेल होते हैं उसमें कुछ नियम होते हैं, अनुशासन का पालन वहाँ पर भी करना होता है। और यही बालकों में अनुशासित होने में सहायता करता है। आगे जाकर खेल में हार जीत का अनुभव बच्चे में सहन शक्ति का विकास करता है जो समाजीकरण में अत्यंत आवश्यक है। और यही खेल में जो हार जीत होता है या बच्चे या अनुभव जो होता है सो बच्चों में सहन शक्ति का विकास करता है कि आज हार गए तो क्या हो गया, इस तरह से जैसे हारते हैं तो बुरा तो लगता है लेकिन फिर भी कोई ना कोई एक पार्टी तो उसमें हारेगा ही, अगर हम खेल रहे होते हैं तो दूसरी पार्टी को उस चीज़ को सहन करना पड़ता है। तो यहाँ इसी कारवजह से वहाँ पर सहन शक्ति का विकास होता है जो समाजीकरण की प्रक्रिया में बहुत आवश्यक होती है। अगर हमारे अंदर सहन शक्ति नहीं हो तो फिर हम सबसे मिलजुल कर नहीं रह सकते हैं, सबके साथ अच्छा संबंध स्थापित नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे टॉपिक हमारा समाप्त होता है। आगे के वीडियोज में मैं और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर आऊँगी जो आपको सीटेट या किसी भी टेट में 100% सफलता दिलाएगा।
अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर ले ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।